डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या कट ऑफ होगा 2018 में जिपमर में MBBS के लिए एडमिशन लेने के लिए। आपको ध्यान देना है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए MBBS के लिए, किस कैटेगरी वाइज। मैं टोटल कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी का क्या होगा, OBC कैटेगरी का क्या होगा, SC कैटेगरी का क्या होगा, ST कैटेगरी का क्या होगा और कितने सीट के लिए आप MBBS के लिए फाइट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी दे दूँ कि इस बार आप 150 सीट नहीं, आप 200 सीट के लिए फाइट करेंगे। 200 सीट का मीनिंग क्या है? जो जिपमर का मेन ब्रांच है पांडिचेरी, पांडिचेरी ब्रांच के जिपमर के लिए जो है पांडिचेरी ब्रांच के लिए आपको 150 सीट मिलेगा MBBS के लिए। और इसके अलावा जो है करैकल का जो ब्रांच है, बोल रहा हूँ करैकल वाला ब्रांच जो होगा इसके में आपको 50 सीट मिलेगा। तो टोटल मिला के टोटल जो है वो 200 का MBBS का सीट आपको यहाँ पे मिलता दिखेगा, ठीक है। अब कैसे कि सर क्या कट ऑफ हो सकता है अप्रोक्सीमेशन, मैं जैसा पिछले साल पिछले लास्ट 3 ईयर का मैं अगर ऑब्जर्वेशन आपको बताऊँ तो उसको देखते हुए एक मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ। रफली आइडिया क्या दे रहा हूँ कि जिपमर में जो कट ऑफ जाना चाहिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी UR की बात करूँ जिसको आप जनरल कैटेगरी बोलते हैं, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे कंडीशन तो यहाँ लगभग मान के चलिए आप 160 और 160 प्लस स्कोर होना चाहिए। हो सकता है 5 नंबर का फ्लक्चुएशन आए, क्योंकि इस बार एक बहुत खुशखबरी आप लोग के लिए कि इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। अब तक नेगेटिव मार्क नहीं होता था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का एडवांटेज है आपको, डिसएडवांटेज नहीं है। इसमें आपको तुक्का वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा, इसमें एक्यूरेसी आने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ OBC कैटेगरी की बात करूँ तो OBC कैटेगरी में भी आप मान के चलिए कम से कम 155 या 152 प्लस इतना स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपको MBBS की संभावना दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC कैटेगरी में जो कटअप जाना चाहिए, SC कैटेगरी का थोड़ा मार्जिन दिखता है, 10-12 मार्क का मार्जिन दिखता है। अगर यहाँ पे 140 जा रहा है तो ये 152 जा रहा है, तो ये मान के चलिए 140 प्लस में कहीं भी जाके रुक सकता है गाड़ी, चाहे 140, 142, 143, 144, इस तरह से मार्जिन एक एक दो दो नंबर का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं आपको ST कैटेगरी की बात करता हूँ तो ST कैटेगरी में फ्लक्चुएशन ठीक है, अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, 15 से 20 नंबर का फ्लक्चुएशन मिल सकता है आपको। मतलब आप मान के चलिए 125 से लेकर 130 का रेंज आप मान लीजिए, इसी रेंज के बीच में आपको MBBS मिल सकता है। तो उम्मीद जो है 2018-19 सेशन के लिए जो MBBS मिलने की संभावना है जिपमर में, वो इसी नंबर पर MBBS मिल सकता है। लेकिन इस बार आपके लिए खुशखबरी है, ये 50 सीट आपके लिए एक अलग तरीके से आ रहा है। और दूसरा एडवांटेज जिपमर के लिए है कि नेगेटिव मार्क पहली बार ऐसा एप्लीकेबल हुआ है जिपमर के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।